ओम हिम द्रुणी सूर्य आदित्य श्रीम। कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव को राजपद प्राप्त है। उगते हुए सूर्य को जल देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बहुत से लोग आज भी इसका पालन करते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता ही नहीं किंतु वैज्ञानिक आधार भी है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो बिना सूर्य को जल अर्पित किए भोजन करना महापाप है। स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख संभवत इसलिए किया गया है क्योंकि सूर्य तथा चंद्र प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी किरणों से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। इन्हीं के कारण अनाज तथा फूल फल उत्पन्न होते हैं। अतः इनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रातःकाल जल अर्पित करने की बात कही गई है। धार्मिक कारण की उपेक्षा उगते सूर्य को जल देने के पीछे वैज्ञानिक कारण अधिक प्रभावी है। जल चिकित्सा तथा आयुर्वेद के अनुसार प्रातःकालीन सूर्य को सिर के ऊपर पानी का बर्तन ले जाकर जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय अपनी दृष्टि जलाधार के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र पर पड़े। इससे आंखों की रोशनी तथा बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जल से छनकर सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती हैं तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। शरीर में रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आधुनिक विज्ञान जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तथा पानी की धारा के बीच उगते सूर्य को देखते हैं तो नेत्र ज्योति बढ़ती है। पानी के बीच से होकर आने वाली सूर्य की किरणें जब शरीर पर पड़ती है तो इन किरणों के रंगों का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है जिसमें विटामिन डी जैसे कई गुण भी मौजूद होते हैं। इसलिए कहा गया है कि उगते सूर्य को जल चढ़ाना है उसमें सूर्य जैसा तेज आता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि कुंडली में सूर्य कमजोर स्थिति में होने पर उगते सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य के मजबूत होने से शरीर स्वस्थ तथा ऊर्जावान रहता है। इससे सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। ध्यान दें, हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छिपा हुआ है। इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारी परंपराओं को समझने के लिए जिस विज्ञान की आवश्यकता है वो हमें पढ़ाया नहीं जाता तथा विज्ञान के नाम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को समझ नहीं सकते। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करे। धन्यवाद।